Hey, this is Roma Gulati. Today we will do exercise 1.3. Refer to my previous video for the introduction of this exercise, right? In this exercise, we will prove the irrationality of rational number. के ये कैसे irrational numbers होते हैं उसको हम prove करके बताएंगे by contradiction method, right? देखते हैं हम कैसे करेंगे solution. इसमें हमें क्या prove करना है exercise 1.3 NCERT page number 14 पे है. ठीक है, इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट रूट फाइव इज इरेशनल. हमें पता है कि रूट फाइव इरेशनल होता है. आप कहोगे प्राइम नंबर का रूट है इसलिए पी अपॉन क्यू की फॉर्म एक्सप्रेस नहीं कर सकते इसलिए, बट उसको प्रूफ करके बताना है. तो हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको, हम मान लेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड लगाएंगे. लेट रूट फाइव, हमने प्रूफ क्या करना है कि ये इरेशनल है, लेकिन हम मानेंगे क्या, लेट रूट फाइव इज एन इज रैशनल नंबर. लेट रूट फाइव इज रैशनल नंबर, हम क्या मान लेंगे कि जो रूट फाइव है वो रैशनल नंबर है, राइट. अब अगर रूट फाइव रैशनल नंबर है तो हम इसे किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. अगर रूट फाइव इरेशनल है तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इट इंप्लाइज रूट फाइव इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू. पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा. अगर रूट फाइव को मैं कह रही हूँ कि वो रैशनल नंबर है भाई, मैं मान रही हूँ, तो किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में. वेयर यू विल राइट दिस लाइन, वेयर P and Q are co-prime numbers. जहां पर P और Q कैसे नंबर होंगे, co-prime. अभी मैं आपको बताती हूँ co-prime numbers क्या होते हैं. ये हम सब कुछ सपोज करके चलेंगे तभी हम इसको प्रूफ कर पाएंगे कि P और Q मैंने कैसे नंबर लिए हैं, co-prime. अब co-prime numbers क्या होते हैं, ऐसे प्राइम नंबर्स, ऐसे दो या तीन प्राइम नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होगा, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर. जैसे टू एंड थ्री है, टू एंड थ्री, टू के फैक्टर्स क्या होंगे, वन इंटू टू. थ्री के फैक्टर्स क्या होंगे, वन इंटू थ्री. तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, वन. जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ वन निकलता है, ऐसे प्राइम नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स, राइट. तो हमने क्या मान लिया, रूट फाइव को मैंने रैशनल मान लिया. तो रूट फाइव किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में. अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वेयरिंग बोथ साइड करिए, क्या हो जाएगा, रूट फाइव का स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर. दैट इज रूट फाइव का स्क्वेयर मीन्स फाइव पी स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर. ओके, अब हमने करना क्या है, ए पर फाइव को हमने किसी तरह पी स्क्वेयर के नीचे लेके आना है, मतलब हमने पी स्क्वेयर को फाइव से डिवाइड करना है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, सिंपल इंटरचेंज. मैं क्या कर दूंगी, क्यू स्क्वेयर में आप ऊपर ले गए और फाइव फाइव को मैं नीचे ले. ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक थ्योरम थी एनसीईआरटी में जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में नहीं बताई, मैं इधर ही बता दूंगी आपको. ठीक है, क्योंकि आप बताओ फिर आपको लगेगा ये क्यों बता रहे हैं, इसका कोई रिलेशन तो है नहीं. तो उसका रिलेशन यहाँ है, प्रूफ करने में है उसका रिलेशन, राइट. तो इसमें क्या है, पी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, फाइव से. हो गया पाई फाइव से. अगर पी स्क्वायर फाइव से डिवाइड हो रहा है तो पी भी फाइव से होगा. ये थ्योरम थी कि अगर कोई पी प्राइम नंबर है और ए कोई इंटीजर है और अगर पी स्क्वायर ए से डिवाइड हो रहा है तो पी भी ए से डिवाइड होगा. फॉर एग्जांपल, अगर पी स्क्वायर ए से डिवाइड हो रहा है तो पी भी ए से डिवाइड होगा. ये आपके एनसीईआरटी में थ्योरम है, इसका प्रूफ आपके सिलेबस से बियॉन्ड है. सो जस्ट आप एग्जांपल लेके वैसे ले सकते हो कि अगर पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है फाइव से, ठीक है, तो पी भी फाइव से डिवाइड होगा. इज इट क्लियर. जाए 25 अगर फाइव से डिवाइड हो रहा है तो 5 भी तो डिवाइड होगा. 5 का स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है 5 से तो 5 भी तो 5 से डिवाइड होगा. तो वही हमने यहाँ यूज करना है. इसका मतलब क्या हो गया कि 5 ने किसको डिवाइड किया, 5 ने किसको डिवाइड किया, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर. अगर 5 पी को डिवाइड करेगा तो 5 पी को भी करेगा. अगर 5 पी स्क्वायर को करेगा, सॉरी, अगर 5 पी स्क्वायर को करेगा तो 5 पी को भी करेगा. तो आपको लिख सकते हो, इफ थ्योरम लिख सकते हो, इफ पी इज अ प्राइम नंबर. मैं आपको शॉर्ट में लिखती हूँ, आप एनसीईआरटी में देख सकते हो. इफ पी इज अ प्राइम नंबर एंड ए भी यानी पॉजिटिव इंटीजर, और वो पॉजिटिव इंटीजर ए भी यानी पॉजिटिव इंटीजर, देन क्या होगा, देन इफ पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय ए देन P is also divided by A. यह थ्योरम, यू कैन रेफर टू एनसीईआरटी फॉर दिस थ्योरम. तो ये थ्योरम आपने लिखनी है. ठीक है, अगर कोई नंबर P स्क्वायर है जो A से डिवाइड हो रहा है तो P भी A से डिवाइड होगा. तो यहाँ P स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो
जो p है वो भी 5 से डिवाइड होगा, तो मैंने उसको लिखा है 5 डिवाइड कर रहा है p स्केल को, तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। इज इट क्लियर? यहां तक समझ आ गया सबको? अब आगे देखिए, पॉज करके आप नोट कर लो तो आपको समझ आता जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, अगर 5p को डिवाइड करा तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ p इज इक्वल टू 5a। अब आपके कहोगे ये कैसे लिख दिया? देखो भाई, अगर p डिवाइड हो रहा है 5 से, ध्यान से देखिए, अगर p 5 से डिवाइड हो रहा है तो कुछ ना कुछ क्या होगा, क्वेश्चन आएगा, मैंने मान लिया क्वेश्चन को a। अब क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर तो जीरो ही आएगा ना, ठीक है। p डिवाइड हो रहा है 5 से, क्वेश्चन कुछ भी मान सकते हो आप, सी मानो बी मानो आपकी मर्जी है, ठीक है, क्यू मानो। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने क्यू और पी पहले लिए तो वो मैंने ए ले लिया, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? जीरो। तो वही लगाओ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, वही यूक्लिड डिवीजर लाना। तो पी किसके इक्वल लिख सकते हैं आप? फाइव के। डिविडेंड वाला रूल लगाया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो पी किसके इक्वल आ गया आपका? फाइव ए के। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पी की वैल्यू फाइव ए है वो हम किस में पुट कर देंगे आपकी, इसको दे दो इक्वेशन वन, ठीक है जी। हमने क्या करना है, ये जो मैंने 5 की वैल्यू है 5 है वो मैंने कौन सी इक्वेशन में पुट करनी है? फर्स्ट में पुट p इज इक्वल टू 5a इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में आप पुट करेंगे। करिए पुट जरा, p की जगह आप क्या रख रहे हैं? 5 है, क्योंकि यहाँ p स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 5a का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या है? 5। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको बोला 25 a square upon 5, 5 is 5, 5 is 25, तो ये क्या हो गया? 5 a square। देखिए अब ध्यान से, अब क्या आ गया? q square किसके इक्वल आ गया? 5 a square के। तो हम क्या करेंगे, अब 5 को हम ले आएंगे q square के नीचे, तो ये हो जाएगा a square is equal to q square upon 5। ए स्केयर फाइव को मैं किसके नीचे गए? क्यू स्केयर पे। तो ए स्केयर इसके इक्वल हो गया क्यू स्केयर अपॉन फाइव के। फिर से क्योंकि क्यू स्केयर फाइव से डिवाइड हो रहा है तो क्यू भी फाइव से होगा, तो हम अब क्या लिख सकते हैं? अब हम क्या लिखेंगे? इट इंप्लाइज फाइव किसको डिवाइड कर रहा है? फाइव डिवाइड क्यू स्क्वेयर। अगर फाइव क्यू स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको करेगा? q को भी करेगा, वही थ्योरम। अगर 5 q स्क्वायर को कर रहा है तो 5 q को भी करेगा। क्या हुआ? इट इंप्लाइज 5 ने दोनों को डिवाइड कर दिया, p को भी। हमने पहले क्या प्रूफ किया था? कि 5 ने p को डिवाइड किया। अब हमने क्या प्रूफ किया? कि 5 ने q को डिवाइड कर दिया। तो इट इंप्लाइज 5 डिवाइड्स बोथ p एंड q। 5 ने दोनों को डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 इज द फैक्टर ऑफ, अगर 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो 5 इज द फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। 5 जो है दोनों का फैक्टर हो गया ना। हमने क्या माना था कि जो p एंड q है वो कोप्राइम नंबर है, अगर वो कोप्राइम होंगे तो उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने जो है कॉमन फैक्टर 5 भी निकाल दिया। हो सकता है जब p एंड q, मैंने p का फैक्टर 5 भी निकाल दिया, मैंने q का भी 5 निकाल दिया, लेकिन जब वो कोप्राइम नंबर है तो उनका कॉमन फैक्टर जो है वो हो ही नहीं सकता, कॉमन फैक्टर और कोई हो ही नहीं सकता 1 के अलावा, बट हमने 5 निकाल दिया तो हमारी सपोजिशन क्या हो गई? गलत। जो हमने सपोज किया था वो गलत हो गया, तो रूट 5 है वो इरेशनल नहीं होगा, वो क्या होगा? रैशनल, क्योंकि हमने उसको रैशनल माना तो हमारी कुछ गलत चीज़ निकल के आ रही है, ठीक है, जो चीज़ नहीं होती वो आ रही है। समझ आ रही कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब? मतलब जो होना चाहिए वो नहीं आ रहा, तो हमारा क्या आ रहा है कि जो p एंड q है उनका कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, जो कि आना ही नहीं चाहिए था क्योंकि कोप्राइम नंबर माने थे, कोप्राइम नंबर में तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, तो हमारी सपोजिशन गलत हो गई, इसलिए रूट 5 जो है वो रैशनल नहीं होगा, वो इरैशनल होगा। तो अब एम में लिखोगे कैसे? 5 इज द फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q, बट इट इज नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता ये, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, क्यों नहीं हो सकता भाई? बिकॉज p एंड q आर कैसे नंबर थे? p एंड q आर कोप्राइम नंबर्स, p एंड q आर कोप्राइम नंबर्स। फिर एंड में आप लिखोगे देयरफोर आर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफोर आर सपोजिशन इज रॉन्ग, आर सपोजिशन इज रॉन्ग, रूट फाइव इज
इट इम्प्लाइज रूट फाइव इज इरेशनल नंबर. हमने गलत माना था कि वो रैशनल है, ये क्या होगा इरेशनल नंबर. ऐसे कोई भी आ जाए, रूट टू आ जाए, रूट थ्री आ जाए, आप सबको ऐसे प्रूव कर सकते हो. सिर्फ आपने करना गया, मैं आपको ओरली बताती हूँ. लाइक मैंने रूट टू को प्रूव करना, तो रूट टू को क्या मानूंगी मैं रैशनल, मतलब रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू. बट पी और क्यू क्या होंगे, को प्राइम नंबर. अब क्योंकि वो को प्राइम होंगे तो एक बार आपने क्या करना, पहले स्क्वेयरिंग करनी है. एक बार पी स्क्वेयर के नीचे टू आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा था रूट फाइव, तो फाइव आ रहा था. एक बार पी स्क्वेयर टू से डिवाइड होगा, पी स्क्वेयर टू से होगा तो पी भी टू से होगा. ऐसे क्यू स्क्वेयर भी टू से हो जाएगा, क्यू भी टू से हो जाएगा. इसका मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, टू. बट हो ही नहीं सकता क्योंकि पी और क्यू कैसे नंबर है, को प्राइम. तो क्योंकि पी एंड क्यू को प्राइम नंबर्स है तो उनका कॉमन फैक्टर और कोई आ ही नहीं सकता. तो अगर कोई और फैक्टर आ गया है आपका, इसका मतलब आपने जो सारा सपोज किया था वो सब गलत है. तो हमारी सपोजिशन ही गलत है, इसलिए वो रैशनल नहीं होगा, वो इरेशनल होगा. ऐसे ही रूट थ्री आ जाए, रूट सेवन आ जाए, कोई भी रैशनल नंबर आ जाए, सेम प्रोसीजर है. जहाँ जहाँ फाइव है वहाँ टू आता जाएगा, जहाँ टू है वहाँ थ्री आता जाएगा. सिर्फ आपके नंबर चेंज होंगे. डिविजिबिलिटी फाइव से नहीं तो टू से हो जाएगी, सेवन है तो सेवन से हो जाएगी. इज इट क्लियर? कोई भी रैशनल नंबर आ जाए आपने यही सेम प्रोसीजर करना है. Is it clear? So this is all about how to prove the irrationality. But अब NCERT का second question, अगर sum आ जाए rational और irrational का, उसे कैसे prove करते हैं? Product आ जाए उसे कैसे prove करते हैं? तो एक मैं sum वाला question करा देती हूँ आपको, एक product वाला और एक quotient वाला, right? देखिए, ये तो है कि अगर single आ जाएगी, अगर हमें कोई भी number को irrational prove करना तो कैसे करेंगे? But अगर एक ऐसे आ जाए, देखिए question number two क्या है आपको? Prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. हमें ये प्रूव करना है कि 3 plus 2 root 5 irrational. ये क्या है आपका रैशनल, ये क्या है irrational. तो अब मुझे रैशनल और irrational के सम को irrational प्रूव करना. हमें पता है कि रैशनल और irrational का सम irrational होता है, बट इसको हम प्रूव करके बताएंगे. ऐसे सॉल्यूशन देखिए, फिर से वही लेट मैं क्या मान लूंगी, 3 प्लस 2 रूट 5 को मैं क्या मान लूंगी इज रैशनल. सब में कॉन्ट्राडिक्शन लगानी है, इरेशनल प्रूफ करना, लेकिन आप मानोगे क्या कि ये इरेशनल नंबर, मैंने इसको मान लिया. अगर ये इरेशनल है तो क्या होगा, 3 प्लस 2 रूट 5 इसके इक्वल हो जाएगा पी अपॉन क्यू के. और यहां आप क्या लोगे, वेयर पी एंड क्यू आर इन टीचर्स, P and Q are integers where Q जो है कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा. इसमें आपने P and Q को integers मान के चलना, right? अब इसमें आपने क्या करना है, root वाला part इन questions में जिसमें sum आ जाए, product आ जाए, quotient आ जाए, उसमें root वाले part को अलग करिए और जो बिना root के part है उसको अलग करिए. मतलब rational part अलग, irrational part अलग. कैसे, 2 root 5 को इधर रखिए, 3 यहाँ प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, राइट. अब यहाँ एलसीएम लीजिए, एलसीएम अगर मैं लूंगी क्यू, यहाँ क्या आएगा पी माइनस 3 क्यू, आता है ना एलसीएम, क्यू आएगा ना, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो एलसीएम क्यू आया, क्यू से क्यू डिवाइड हुआ 1, 1 इंटू पी, पी क्यू 1 से डिवाइड होगा क्यू, 3 इंटू क्यू 3 क्यू. अब रूट 5 को यहीं रखो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है 2, तो क्या हो जाएगा 2 जो है नीचे आ जाएगा. अब देखो p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है. अगर मैं यहाँ पर p और q की जगह कोई भी इंटीजर पुट करूँ, लेट 1 पुट करती हूँ, यहाँ 1 पुट किया, यहाँ 1, q की जगह 1 कर लो या 1 1 पुट कर लो, 1 1 1, तो ये जो पूरा नंबर आएगा वो कैसा नंबर आएगा, रैशनल, क्योंकि मैंने p और q को इंटीजर माना है. तो जब मैं यहाँ पे ध्यान से देखो, इस साइड क्या है इरेशनल नंबर, बट अगर मैं यहाँ p और q की जगह कोई भी इंटीजर पुट करूंगी तो ये कैसा नंबर आ जाएगा, रैशनल. बट रूट फाइव होता क्या है, इरेशनल होता है. तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन हो गई ना, कि हम रूट फाइव हम जानते हैं कि इरेशनल होता है, बट वो आ क्या रहा है, रैशनल, गलत आ रहा है. तो इसका मतलब हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई. लिखोगे कैसे, यहाँ दे दो फर्स्ट, ठीक है, आप क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट रूट फाइव क्या है, रूट फाइव इज रैशनल नंबर, ठीक है. बट होता क्या है, बट रूट फाइव इज एक्चुअली एन, बट रूट फाइव इज एक्चुअली एन क्या होता है, हमें पता है इरेशनल होता है, अभी अभी हमने इरेशनलिटी प्रूव कर लिया, तो रूट फाइव हमारा रैशनल आ रहा है, बट होता क्या है वो इरेशनल. देयरफोर आवर सपोजिशन इज,
therefore our supposition is wrong. हमारी जो supposition है वो गलत हो गई. Therefore our supposition is wrong. It implies ये पूरा 3 + √5 is an irrational number. हमने rational माना था वो गलत माना था, वो क्या होगा? Irrational होगा. Is it clear? Now we will do question number 3rd, first part. बहुत इजी सॉन्ग से अंदर आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो कुछ नहीं है, कंट्रडिक्शन मेथड लगाना है. एंड यू विल इजीली प्रूव द इरेशनलिटी ऑफ एनी इरेशनल नंबर, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd, फर्स्ट पार्ट, 1/√2 को प्रूव करना. आप देखेंगे कि सारे सम सेम ही है लगभग, ठीक है? अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ आ गया यू कैन डू इजीली, राइट? नाउ लेट, फिर से इसमें क्या मानेंगे, लेट अब ये क्या है, रैशनल और इरेशनल. अब हमने क्वेश्चन प्रूव करना है. लेट 1/√2 इज क्या मानेंगे, इरेशनल. बोलो भाई, इज इरेशनल नंबर, राइट? तो अगर ये सॉरी 1/√2 को मैंने इरेशनल प्रूव करना है, मैं उल्टा मानूंगी, इसको रैशनल मानूंगी. तो 1/√2 को अगर मैंने रैशनल माना है तो 1/√2 किस फॉर्म को होगा, पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर, पी एंड क्यू क्या होंगे, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. पी एंड क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे. तो अब हम इसमें भी वही करेंगे, रूट वाला पार्ट अलग कर दो, बिना रूट वाला अलग कर दो. तो क्या हो जाएगा, रूट टू ऊपर, तो कैसा आएगा, देखिए क्यू इज इक्वल टू रूट टू पी. मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपको समझाने के लिए. तो क्यू ऊपर गया और रूट टू इसे, अब फिर रूट टू को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद रूट टू को अलग कर दो, पी को नीचे गया, तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन पी, ठीक है? और यहाँ पे आपने लिखना है पी एंड क्यू आर इंटीजर, सी ए जरूर लिखना है, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जो है जीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है? अब देखो क्यू और पी दोनों इंटीजर है, तो रूट टू हमारा क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है ना ये, ठीक है? तो फ्रॉम वन क्या आ गया हमारे पास, रूट टू क्या आ गया, रैशनल आ गया. बट एक्चुअल में क्या होता है, बट दिस कंट्रडिक्ट्स द फैक्ट, ये किसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, किस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इस फैक्ट को ये गलत कह रहा है, दैट रूट टू इज इरेशनल. भाई यहां से रैशनल आ रहा है फर्स्ट से, बट एक्चुअली होता क्या, रूट टू क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर, कि रूट टू इरेशनल होता है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. देयरफॉर आर supposition is wrong. Therefore our supposition is wrong. क्या होगा, it implies 1/√2 is irrational number. ठीक है जी, समझ आया आपको सबको? आप देखिए इसका मैं आपको बताऊंगी second part. बाकी आप सारी exercise almost हो गई है, एक सम रह गया, बट इसके आप कोई भी एग्जाम्पल लेके अपने आप सॉल्व कर दे सकते हैं. जैसे मैंने रूट फाइव कराया, रूट टू को सॉल्व करके देख रही हूँ, ठीक हो, सब सेम है. क्वेश्चन नंबर थ्री, 7/√5 ये भी वैसे ही होगा. देखिए इसमें हम क्या मानेंगे, अब तो आपको आ ही गए होंगे. लेट 7/√5 को हम क्या मानेंगे, इस 7/√5 को हमने क्या माना, इस सॉरी 7/√5 को इंटरनेशनल ही माना, इंटरनेशनल तो प्रूफ करना है, तो कॉन्ट्राडिक्ट्री हम क्या मानेंगे, इसको रैशनल नंबर मानेंगे. तो अगर मैं इसको रैशनल नंबर मानूंगी तो देयरफॉर 7/√5 क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू. फिर से वही जब आप करने लोगे आपको तो फट जाएंगे लगे, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, एंड Q not equal to zero. ये तो लिखना ही इतना है क्वेश्चन में, जो सम वाले क्वेश्चन आए, प्रोडक्ट क्वेश्चन, उसमें इंटीजर्स लेने हैं. और सिंपल इरेशनलिटी प्रूफ करनी है हमें किसी नंबर की, तो को प्राइम नंबर्स लेने, ठीक है? अब इसमें भी वही करो, रूट फाइव को यही रखो और 7 को ले आओ नीचे. फिर से क्या हो गया, इसको फर्स्ट दो, क्योंकि पी एंड क्यू इंटीजर्स है, तो फ्रॉम फर्स्ट से क्या आ गया, रूट फाइव जो है वो क्या आ रहा है हमारे पास, फ्रॉम फर्स्ट रूट फाइव है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप पूरी लाइन लिख देना. रूट फाइव जो है वो कैसा नंबर आ रहा है, रूट फाइव कैसा नंबर आ रहा है, रैशनल. बट
दिस ये किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट फाइव इज एन, क्या होता है रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर, देयरफोर आर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफोर आर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हम आगे चलते वो गलत है, इट इंप्लाइज 7.5 कैसा नंबर आ जाएगा आपका, इज एन इरेशनल नंबर। आई होप ये शायद आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कोई भी डाउट है या पूछ सकते हैं, यू कैन लीव द कमेंट एंड रेफर टू माई नेक्स्ट वीडियो फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर दैट इज 1.4। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन के साथ ही एक्सरसाइज भी आपको बता दूंगी, देन द चैप्टर विल बी फिनिश्ड। थैंक यू।